हाय दोस्तों, बिहार लेक्चर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? खरोष्टी, अज्ञात, ब्राह्मी, तमिल। तो बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी। आगे चलते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु, रूसो, लास्की, प्लेटो। बताइए दोस्तों, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन है अरस्तु का। आगे चलते हैं। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं, क्या कहलाती हैं? अंत्य वस्तुएं, गिफन वस्तुएं, निम्न स्तरीय वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं। तो बताइए दोस्तों, क्या कहलाती हैं? तो वे कहलाती हैं दोस्तों अंत वस्तुएं कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। जल संवर्धन पौधों के क्षरण की एक विधि है, निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? जल, प्रकाश, रेत, मिट्टी। तो बताइए दोस्तों, किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है, क्या कहलाती है? लैटेराइट, काली, जलोढ़, लाल। तो बताइए दोस्तों, कौन सी मिट्टी है? तो वो है दोस्तों लैटेराइट। आगे कहते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर। बताइए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 ईस्वी में हुआ था, और उस समय किसका शासन था दोस्तों? उस समय जो है अकबर का शासन था भारत पर। उस समय जो है भारत का मुगल बादशाह अकबर था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। सेंटीग्रेड तथा फॉरेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होते हैं? 32 डिग्री, 40 डिग्री, -273 डिग्री, -40 डिग्री। तो बताइए दोस्तों, किस अंश पर एक समान होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों -40 डिग्री पर जो है एक समान होते हैं। आगे चलते हैं। ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? अर्धचालक, चालक, अतिचालक, रोधी। तो बताइए दोस्तों, किसके बारे में ये सही है? तो दोस्तों, ये जो है चालक के बारे में सही है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा दिवस है जो अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है?
तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नींबू के रस में पीएच मान का अनुमान कितना होता है? 7 के बराबर, पूर्वानुमान संभव नहीं, 7 से कम, 7 से अधिक। तो बताइए दोस्तों, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि नींबू जो है खट्टा होता है। तो दोस्तों, अगर 7 से ऊपर होता है तो वो क्षारीय होता है, और 7 से नीचे होता है तो अम्लीय होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि नींबू जो है ये खट्टा होता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा दोस्तों? 7 से कम होगा। आगे चलते हैं। केबुल लाम जाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय। तो बताइए दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान? तो ये स्थित है दोस्तों मणिपुर में है। आगे चलते हैं। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आगे चलते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंडिया। तो बताइए दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों जर्मनी में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आका गया है, बताइए दोस्तों कितना आका गया है? 7000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस। तो कितना नापा गया है दोस्तों? तो ये नापा गया है दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक है क्लोरीन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो बताइए दोस्तों, क्लोरोफिल में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। आगे चलते हैं। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, फोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन से लेंस का प्रयोग होता है? तो उसमें होता है दोस्तों द्विफोकसी लेंस का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था, तो बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था?
दादा भाई नौरे जी, सरदार पटेल, ए ओ ह्यूम, महात्मा गांधी कौन थे दोस्तों? तो ये थे ए ओ ह्यूम थे। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के अग्रदूत थे ज्योतिबा फुले, सरदार पटेल, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद। तो कौन थे दोस्तों महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के अग्रदूत? तो ये थे दोस्तों ज्योतिबा फुले। आगे चलते हैं। हर्ष के दरबार का राजकवि था कालिदास, बाणभट्ट, फाहियान, इनमें से कोई नहीं। कौन थे दोस्तों? तो ये थे बाणभट्ट थे। और कालिदास कौन थे दोस्तों? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है दोस्तों। ये उनके दरबार में जो नौ रत्न बैठते थे उनमें से थे एक कालिदास। और फायान कौन था दोस्तों? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया एक चीनी यात्री था। आगे चलते हैं। और दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा किस संज्ञा दी है? किसे दी है दोस्तों? प्रस्तावना को, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, किसे दिया है दोस्तों? तो दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा है। किसे कहा है दोस्तों? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज़ रोज़ नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं दोस्तों। जय हिंद।